दोस्तों मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी के अनुसार हम सब एक जैसे ही हैं और इसीलिए आजकल के डॉक्टर्स हम सब को सेम बीमारी के लिए एक ही जैसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट दे देते हैं। जैसे कि हार्ट ब्लॉक वाले सभी पेशेंट्स का CABG या स्टेंटिंग कर दिया जाता है, या फिर अगर हम सबको ही फीवर हो तो हम सबको ही पैरासिटामोल या उसके जैसी ही कोई और दवाई दे दी जाती है। जबकि दोस्तों हमारा आयुर्वेद इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हम सबकी फूड चॉइसेस, पसंद नापसंद, बिहेवियर, इंटेलिजेंस, इमोशंस, किसी बीमारी से लड़ने की शक्ति या इम्यूनिटी और लाइफ चॉइसेस, सब कुछ ही एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। तो फिर दोस्तों कैसे किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए हम सब लोगों को एक ही जैसा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? दोस्तों आयुर्वेद की माने तो ये डिफरेंसेस हम सब की डिफरेंट बॉडी टाइप्स या त्रिदोषिक प्रकृति के कारण होते हैं, और इसीलिए हम एक दूसरे से मन, विचार और आत्मा में इतने अलग होते हैं। और दोस्तों आयुर्वेदिकली एक लंबी और हेल्दी लाइफ के लिए हम सबको ही अपनी स्पेसिफिक शारीरिक प्रकृति या त्रिदोषों के अकॉर्डिंग अपने आहार या डाइट और विहार या लाइफस्टाइल को बैलेंस करने की जरूरत होती है। दोस्तों ये जानने के लिए कि आपकी स्पेसिफिक बॉडी टाइप कौन सी है, आज हम एक छोटा सा क्विज करेंगे, और ये क्विज कंप्लीट करने के बाद हम ये भी जानेंगे कि आपको अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों इस टेस्ट या क्विज की एक और अच्छी बात ये है कि इससे आप अपनी पर्सनालिटी को भी अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे आप उसे और भी ज्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की है, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेद आरोग्य औषधि। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार जिस तरह हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, उसी तरह से हर इंसान की बॉडी की वाइटल एनर्जीज भी एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होती हैं, जो उनकी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विशेषताओं या क्वालिटीज को निर्धारित करता है। आयुर्वेदिकली दुनिया की हर चीज और हमारा शरीर भी उन्हीं 5 ग्रेट एलिमेंट से बना है, जिन्हें पंच तत्व कहा जाता है, और जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। दोस्तों हम में से हर इंसान की बॉडी इन्हीं 5 ग्रेट एलिमेंट्स के एक अनोखे और बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन से बनती है, जिन्हें आयुर्वेद की भाषा में वाइटल एनर्जीज या त्रिदोष कहा जाता है, और ये 3 टाइप्स के होते हैं, वात, पित्त, कफ। दोस्तों इन दोषों के बैलेंस को ही आयुर्वेद गुड हेल्थ कहता है, और जब हमारी बॉडी में इनमें से कोई भी दोष बढ़ या घट जाता है या असंतुलित हो जाता है, तब ही हम बीमार पड़ जाते हैं। दोस्तों बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इस अनोखे बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, हमारी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, फूड चॉइसेस, मौसम, किसी शारीरिक बीमारी या चोट का होना, हमारा काम, फैमिली और रिलेशनशिप्स आदि। दोस्तों हम सब की बॉडी में ये तीनों दोष हमेशा ही मौजूद होते हैं, लेकिन कोई एक प्राइमरी या सबसे ज्यादा होता है, दूसरा सेकेंडरी उससे कम, और तीसरा लीस्ट प्रोमिनेंट सबसे कम होता है। दोस्तों बीमार होकर इलाज कराने से कहीं बेहतर होता है कि हम बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोक लें, और आयुर्वेद का पूरा फोकस हमेशा इसी बात पे रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोग इसे घर की मुर्गी दाल बराबर समझकर इसे सिर्फ घरेलू नुस्खों के ही रूप में जानते हैं। दोस्तों आज के इस आयुर्वेदिक बॉडी टाइप टेस्ट के लिए आप बस एक पेन और पेपर ले लें, या फिर आप अपने मोबाइल पर भी इसके आंसर्स नोट कर सकते हैं। दोस्तों ये ABT टेस्ट एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनर है, जिसमें आपको 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से 10 आपकी शारीरिक प्रकृति और 5 आपकी मानसिक प्रकृति पर बेस्ड होंगे। दोस्तों हर क्वेश्चन के आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और आपको हर क्वेश्चन का बहुत ही ईमानदारी से ABC में जवाब देना है। दोस्तों इस टेस्ट के एंड में आपको बस आपने कितने ए, कितने बी और कितने सी आंसर किए वो काउंट करना है। और दोस्तों आप इस वीडियो को बीच बीच में पॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि शायद मैं थोड़ा फास्ट हो सकती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपके बॉडी फ्रेम के बारे में। दोस्तों आपकी कद काठी कैसी है? दोस्तों क्या आप पतले और छोटे कद के हैं, और क्या आपका वेट मुश्किल से बढ़ता है, या फिर आप मीडियम हैं और आप अपना वेट इजीली बढ़ा या घटा सकते हैं?
या फिर आपकी पर्सनालिटी बहुत ही विशालकाय है और आप अपना वेट आसानी से बढ़ा तो लेते हैं लेकिन उसे कम करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बोलचाल कैसी है? क्या आप फास्ट बोलते और चलते हैं या आप नॉर्मल स्पीड से बोलते और चलते हैं या फिर आप स्लो बोलते और स्लो ही चलते हैं? तीसरा क्वेश्चन है मौसम और आपके मन के बारे में। क्या आपको गर्मियाँ ज्यादा पसंद हैं या सर्दियाँ ज्यादा पसंद हैं? या फिर आपके लिए कोई भी मौसम कंफर्टेबल है लेकिन आपको ह्यूमिडिटी या उमस पसंद नहीं है? नेक्स्ट, आपको कितना पसीना आता है? क्या आपको कम पसीना आता है और वो कम बदबू वाला होता है या फिर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है या फिर आपको नॉर्मल पसीना आता है लेकिन कोई हार्ड वर्क करने पर बहुत ज्यादा पसीना आता है और आपके पसीने से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बदबू आती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको भूख कैसी लगती है? क्या आपको भूख कभी लगती है कभी नहीं या फिर आपको हमेशा ही बहुत ज्यादा भूख लगती है या फिर आपको भूख टाइम पर और नॉर्मल लगती है और आप अपने आराम और खाने के स्वाद का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं? नेक्स्ट, आपकी स्किन कैसी है और आपको कैसी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है या फिर ऑयली है? नेक्स्ट, आपके बाल, उनका टेक्सचर और उनकी प्रॉब्लम्स कैसी है? क्या वो रूखे, ड्राई और स्प्लिट एंड्स वाले हैं या फिर वो नॉर्मल, स्ट्रेट, पतले और ब्राउन है या फिर मोटे, कर्ली, ऑयली और डार्क है? दोस्तों, अगला सवाल है आपके होंठों और दांतों के बारे में। क्या आपके होंठ पतले और ड्राई हैं और आपके दांत उबड़ खाबड़ हैं या वो मीडियम और सॉफ्ट है और आपको दांतों में कैविटीज या कीड़ों की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपके होंठ बड़े और चिकने हैं और आपके दांत कम देखभाल में भी अच्छे रहते हैं? नेक्स्ट, आपकी आंखें कैसी है? क्या वो छोटी, ड्राई और सुस्त है या वो मीडियम आकार की और अक्सर लाल हो जाती है या फिर वो बड़ी बड़ी और बहुत ही अट्रैक्टिव है? दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ जनरल साइंस के बारे में है, जैसे कि क्या आपके जोड़ों से क्रैकिंग या कटकट की आवाज आती है और क्या आपके नाखून आसानी से टूट जाते हैं या फिर आपके शरीर पर काले तिल और आपके नाखून पिंक और सॉफ्ट हैं या आपकी लोअर बॉडी हैवी और माथा बड़ा और आपके नाखून व्हाइट और चौड़े हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी याददाश्त या मेमोरी कैसी है? क्या आप चीजें सीखने और भूलने दोनों में ही फास्ट हैं या फिर आप चीजें सीखने में तो एवरेज लेकिन एक बार सीख लेने के बाद आप उन्हें कभी नहीं भूलते हैं या फिर आप एक स्लो लर्नर हैं लेकिन आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं? अगला सवाल है आपके माइंड के बारे में। क्या आपका मन आसानी से बेचैन हो जाता है या आपको बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है या आप एक कूल और शांत इंसान हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप किसी चीज पे कितना जल्दी एक्शन लेते हैं? क्या आप कोई काम करने से पहले जरूरत से ज्यादा सोचते हैं या आप तुरंत ही वो काम कर लेते हैं या फिर आपकी चीजों को आज नहीं तो कल पर टालने की आदत है? दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी नींद और उसकी क्वालिटी कैसी है? क्या आपको एक हल्की और डिस्टर्ब नींद आती है या फिर वो नॉर्मल और रेगुलर है या फिर आपको इतनी गहरी नींद आती है कि आप मॉर्निंग में उठ ही नहीं पाते हैं? और दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है आपके इमोशनल नेचर के बारे में। क्या आप बहुत ज्यादा चिंता करने वाले और बहुत जल्दी घबरा जाने वाले इंसान हैं या क्या आप बहुत ही जल्दी चिढ़ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं या आप बहुत ही लविंग एंड केयरिंग हैं और आपको गुस्सा दिलाना बहुत ही मुश्किल है? दोस्तों, आई गेस आपने इन सारे सवालों का अपने हिसाब से सही सही जवाब नोट डाउन कर लिया होगा। अब बस आपको अपने ए, बी और सी को अलग अलग करके काउंट करना है कि आपने कितने ए, कितने बी और कितने सी में आंसर किए। तो चलिए अब जानते हैं कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है। दोस्तों, इस क्विज के सभी ए ऑप्शंस वात बॉडी टाइप के लक्षण हैं, बी पित्त प्रकृति के और सी कफ बॉडी टाइप के लक्षण हैं। अब आप अपने सभी काउंट किए गए ए, बी और सी को घटते क्रम में रखें। इसमें से सबसे बड़ा नंबर आपका प्राइमरी दोष होगा और दूसरा बड़ा नंबर आपका सेकेंडरी दोष होगा। दोस्तों, फिर आपकी बॉडी टाइप हो जाएगी आपका प्राइमरी दोष और उसके बाद
आपका सेकेंडरी दोष, जैसे कि अगर आपने मोस्टली एज और बी स्टिक किए हैं तो आपकी बॉडी टाइप हो जाएगी वात पित्त। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार थ्री दोषों के बेसिस पर 7 टाइप्स की बॉडी टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है वात, अगर आपके ज्यादातर आंसर्स ए हैं तो। सेकंड पित्त बॉडी टाइप, थर्ड कफ बॉडी टाइप, फिर आते हैं मिक्स्ड बॉडी टाइप्स जैसे कि वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ। और दोस्तों लास्ट रेयर बॉडी टाइप होती है त्रिदोषिक प्रकृति, अगर आपके ए बी और सी तीनों के नंबर इक्वल हैं। दोस्तों आयुर्वेदिकली त्रिदोषिक प्रकृति का मतलब होता है कि या तो उस इंसान की बॉडी 100% बैलेंस्ड है या फिर वो 100% इम्बैलेंस्ड है। दोस्तों हम में से ज्यादातर लोगों की बॉडी टाइप एक मिक्स्ड बॉडी टाइप ही होती है, जो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खानपान और स्ट्रेस आदि की वजह से असंतुलित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी पित्त कफ है तो आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में इसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस लाकर उसे बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। और दोस्तों आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि जो दोष आपकी बॉडी में सबसे कम है आप उसे टोटली इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेदिकली हमारी अच्छी हेल्थ के लिए ये तीनों दोष ही बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन तीनों दोषों के ही हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस या काम होते हैं। जैसे कि वात दोष हमारे मूवमेंट और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, पित्त दोष हमारे खाने के पाचन और उसके ब्लड, बोन मैरो और मल मूत्र आदि में ट्रांसफॉर्म होने को कंट्रोल करता है, और कफ दोष हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर और जॉइंट्स के लचीलेपन या ल्यूब्रिकेशन को कंट्रोल करता है। दोस्तों जब हमें हमारी बॉडी टाइप के बारे में एक सही जानकारी होती है तो हम इसकी मदद से ना सिर्फ अपनी शारीरिक बल्कि अपने मानसिक संतुलन को भी अच्छा बनाए रख सकते हैं, और इसकी मदद से हम एक सही करियर चुनकर उसमें भी काफी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि वात वाले लोग सेल्स, मार्केटिंग, एक्टिंग, डांसिंग और टीचिंग जैसी क्रिएटिव फील्ड्स में सक्सेसफुल हो सकते हैं। पित्त वाले लोग लीडरशिप क्वालिटीज से भरे होते हैं और इसीलिए ये मैनेजमेंट, फाइनेंस, पॉलिटिक्स और अच्छे वकील बन सकते हैं। और कफ बॉडी टाइप वाले लोग एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक रिलेशंस, नर्सिंग या फिर काउंसलिंग में अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने इन दोषों को बैलेंस नहीं रखते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि वात दोष के बिगड़ने से आपको ड्राइनेस, गैस, पेट फूलना, अपच, बॉडी पेन, डिप्रेशन और अशांत मन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक इम्बैलेंस्ड पित्त दोष से आपकी बॉडी में ज्यादा हीट बनना, मसूड़ों से खून आना, एसिडिटी, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, स्किन रैशेस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना और जलसी आदि हो सकते हैं। कफ दोष के असंतुलन से आपको सुस्ती, कफ, साइनस, सर्दी, जुखाम और मोटापा आदि हो सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि आप कैसे अपने इन दोषों को बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वात रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आपको ड्राई फ्रूट्स, चाय, कॉफी, राजमा, कच्ची सब्जियों का सलाद आदि नहीं खाना चाहिए, और ज्यादा कच्ची खाने का तेल, देसी घी, ताजा दूध और उससे बनी चीजें लेनी चाहिए। इसके साथ ही अपने बॉडी की तिल के तेल से रेगुलरली मसाज भी करनी चाहिए। पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने पर आपको ज्यादा नमक और मिर्च मसाले वाला खाना, मीट, अंडा आदि नहीं या कम खाना चाहिए, और मीठी और खट्टी चीजें, तरबूज, गुड़, मिश्री, खरबूज और संतरा आदि खाना चाहिए। और लास्टली कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने पर आपको बाहर का तला भुना और ऑयली खाना, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं या कम खाना चाहिए, और ज्यादा घर का बना फ्रेश खाना, ताजे फल, कच्ची सब्जियों का सलाद और अदरक वाली चाय आदि पीना चाहिए। दोस्तों ये वात पित्त और कफ हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी को रेगुलेट और कंट्रोल करते हैं, इसीलिए जब आपको अपनी बॉडी टाइप्स के बारे में सही जानकारी होती है तो आप इन्हें सही से बैलेंस कर सकते हैं, जिससे आपका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय बाय एंड थैंक यू।